न्यूज आयन में आपका स्वागत है। पेश है आज की हेडलाइंस। नगर के गुप्ता तिराहे के निकट अभी कुछ देर पहले एक ओवरस्पीड बाइक सवार ने चंडाक चौकी में तैनात जवान गोविंद सिंह की पत्नी जानकी देवी उम्र 32 वर्ष को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। रॉन्ग साइड चल रहे बाइक सवार ने सड़क के किनारे खड़े शुभम बिष्ट को भी टक्कर मार दी। जवान की पत्नी जानकी देवी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बताया गया कि महिला के पांव में गंभीर चोट आई है। पुलिस ने बाइक सवार को पकड़ लिया है। नगर में ओवरस्पीड बाइकर्स के आतंक से राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल के रिकॉर्ड में आज दिन भर में 6 लोग बाइकर्स के आतंक से घायल हो चुके हैं। कारगिल शहीद कुंदन सिंह बेलाल के परिवार से किए गए वायदे पूरे नहीं हो पाए हैं। कारगिल शहीदों की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची शहीद की मां कुंती देवी ने न्यूज आयन से बातचीत में बताया कि उनके एक बेटे ने देश के लिए शहादत दे दी, दूसरा अपंगता का शिकार है। परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने का भरोसा दिया गया था जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। शहीद के घर तक सड़क बनाने का आश्वासन भी कोरा ही साबित हुआ। घर तक सड़क तो दूर, ढंग का रास्ता भी नहीं बन पाया है। कुछ मांग भी पूरी नहीं हुई, खाली कहते हैं मांग पूरी होगी, कोई कुछ नहीं सुनता है। न डीएम न एसडीएम न कोई नहीं, खाली कहते हैं साल साल भर में बुला के थोड़ा वो दे देते हैं, कुछ नहीं करते है कोई। बिजली और पानी निशुल्क देने के वायदे पर भी कोई अमल नहीं किया गया। शासन प्रशासन साल में एक बार उन्हें जिला मुख्यालय बुलाकर खाना पूर्ति कर लेता है और साल भर उनकी कोई सुध नहीं ली जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए मुनाकोट की खंड विकास अधिकारी आशा मेहता ने बुधवार को भड़कटिया और मुनाकोट क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी में 5 मकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद हुआ। दुकानदारों से 900 रुपये का अर्थदंड वसूला गया, साथ ही भविष्य में प्लास्टिक का उपयोग न करने की हिदायत दी गई। उत्तराखंड क्रांति दल ने ठुलीगाड़ से नगर में हो रही पेयजल आपूर्ति को बंद किए जाने की मांग जिलाधिकारी से की। जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में कहा कि ठुलीगाड़ से दूषित पेयजल की आपूर्ति हो रही है जिससे नगर के लोगों में तमाम बीमारियां बढ़ रही हैं। कार्यकर्ताओं ने अतिक्रमण हटाओ अभियान का स्वागत करते हुए कहा कि जिन लोगों के भवन तोड़े जा रहे हैं बरसात में उनके रहने की व्यवस्था की जाए। प्रथम चेयरमैन कप फुटबॉल प्रतियोगिता में बुधवार को एएफसी और कासनी की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। एएफसी ने एक तरफा मुकाबले में 9 गोल किए जबकि कासनी की टीम मात्र 1 गोल कर पाई। मुकाबले के मुख्य अतिथि पूर्व दर्जा राज्य मंत्री महेंद्र सिंह लुंटी और विशिष्ट अतिथि समाज सेवी प्रकाश जोशी थे। नगर का प्रसिद्ध रेणु जगदीश डायग्नोस्टिक एवं ट्रॉमा सेंटर गढ़कोटी हॉस्पिटल अब विभिन्न कार्ड धारकों को निशुल्क उपचार की सुविधाएं देगा। अस्पताल में आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड धारकों को हड्डी रोग से संबंधित ऑपरेशन की सुविधाएं निशुल्क मिलेंगी। अस्पताल पिछले 22 वर्षों से नगर में गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। दुर्घटना और चोट लगने पर मरीजों को बगैर सरकारी अस्पतालों से रेफर कराए सीधे भर्ती किया जा सकेगा। डॉक्टर गढ़कोटी ने बताया कि आयुष्मान और गोल्डन कार्ड के साथ ही स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के कार्ड धारकों को भी यही सुविधाएं मिलेंगी। पिथौरागढ़ जिले में हो रही लगातार वर्षा के कारण काली नदी का जल स्तर 889 मीटर से 889.40 मीटर पर पहुंच गया है जो लगातार खतरे के निशान की ओर बढ़ता जा रहा है। आपदा सीजन के दौरान यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो तत्काल उसकी सूचना आपदा कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 05964226326, 94121-00829 या पुलिस सहायता नंबर 112, 05964226651, 94111129 पर दें, जिससे तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य किया जा सके। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर थानाध्यक्ष चार्जर देवल प्रकाश पांडे ने रिटायर्ड सेना के अधिकारी कर्मचारियों के साथ गोष्ठी की। इस दौरान सभी से उनकी समस्याओं व सुझावों के बारे में जानकारी ली गई तथा सभी को समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। वर्तमान में युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के विषय में चर्चा की गई। पिथौरागढ़ के पियाना निवासी अभिषेक गर्ग ने साइबर सेल में तहरीर दी कि उन्होंने अपना पार्सल ट्रैक करने के लिए एक लिंक पर क्लिक करके 5 रुपए भेजे। एक अनजान व्यक्ति ने बताया कि उनका पार्सल भेज दिया गया है। उक्त व्यक्ति द्वारा कोई पार्सल नहीं भेजा गया तथा उनके खाते से 63,800 रुपए की धोखाधड़ी कर ली। साइबर सेल व कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस के प्रयासों से शिकायतकर्ता को उनकी संपूर्ण धनराशि वापस प्राप्त हो गई है।
पुलिस लाइन पिथौरागढ़ में स्थित पुस्तकालय में क्षेत्राधिकारी धारचूला परवेज अली ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं की करियर काउंसलिंग की। उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए छात्र छात्राओं के द्वारा पूछे गए सवालों का समाधान किया। इसके अलावा युवाओं को नशे की लत से दूर रहने व करियर के प्रति लगनशील रहने को प्रेरित किया। गंगोलीहाट के थानाध्यक्ष मंगल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सुभाष सिंह बिश निवासी बनौला गांव को लड़ाई झगड़ा मारपीट कर शांति व्यवस्था भंग करने पर धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया। जनपद पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर मिशन मर्यादा के तहत कुल 147 लोगों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। राजकीय इंटर कॉलेज कुमदार पिथौरागढ़ में गणित प्रवक्ता प्रकाश सिंह रावल निवासी थरकोट की मां कलावती देवी के निधन पर शिक्षकों ने शोक जताया। शिक्षकों ने मृतक आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख प्रार्थना की। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग नियमित वर्क चार्ट संघ ने विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर अधीक्षण अभियंता तृतीय वृत्त पिथौरागढ़ को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 31 जुलाई तक समस्याओं का समाधान नहीं होने पर 1 अगस्त से आंदोलन की चेतावनी दी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से 28 जुलाई से 3 दिवसीय श्री हरिकथा नगरपालिका सभागार में होगी। वहां साध्वी विद्युत भारती, रेखा भारती, हर अर्चना भारती हरि के गुण रहस्य को बताएंगी। आयोजनकर्ताओं ने कथा सुनने शाम 3 बजे से 6 बजे तक आने की अपील की। सीओ परवेज अली ने आज धारचूला कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी निरीक्षक केएस रावत को दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड, वर्षा काल में काली नदी के आसपास न जाने हेतु जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही कोतवाली के अभिलेखों का निरीक्षण भी किया। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने 6 विभागों के खिलाफ चल रही जांच और अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर 3 अगस्त को जिला पंचायत की बैठक में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के नजदीकी मैचाली गांव में एक मकान की दीवार गिरने से 2 मकान खतरे की जद में आ गए हैं। ग्रामीण गोपाल राम ने जिलाधिकारी को बताया कि मकान की दीवार गिरने से उनके आवास के लिए खतरा बना हुआ है। उन्होंने अविलंब क्षतिग्रस्त दीवार को ठीक कराए जाने की मांग की। झूलाघाट क्षेत्र के गिटीगढ़ा गांव में बुधवार को निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। डॉक्टर दिव्यानाथ ने शिविर में आए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निशुल्क दवाई वितरित की। शिविर में ग्रामीणों के रक्त की जांच के साथ ही बीपी और शुगर भी मापा गया। शिविर ग्राम प्रधान देवकी देवी के अनुरोध पर लगाया गया। साहित्य सागर डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी की जल संरक्षण पर लिखी गई पुस्तक महत्वपूर्ण संदेश दे रही है। इस पुस्तक में उन्होंने पहाड़ के नौली दारू में कम हो रहे जल की समस्या को रेखांकित करते हुए इनके पुनर्जीवन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अवस्थी अब तक नशा उन्मूलन, लोक संस्कृति, बेटी बचाओ अभियान, जड़ी बूटी के पारंपरिक ज्ञान, योग दर्शन पर 100 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। मुनाकोट विकास खंड के धारी से कुआरबान को जाने वाले पैदल मार्ग की दीवार भारी बारिश के चलते ध्वस्त हो गई है। पीडब्ल्यूडी की सड़क किनारे बनी नाली का पानी रास्ते में आ जाने से गिरी दीवार से 1 मकान खतरे की जद में आ गया है। सामाजिक कार्यकर्ता दयानंद भट्ट ने बताया कि 2 माह पूर्व विभाग ने सड़क किनारे बने नाले की मरम्मत की, लेकिन पैदल मार्गों को ध्यान में नहीं रखा। होटल एसोसिएशन ने डीएम को ज्ञापन सौंप दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा को नियमित करने की मांग की। उन्होंने पिथौरागढ़ के दर्शनीय स्थलों को भी विकसित करने की मांग की है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।